इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग यार। मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि जी अगर आप फॉर्म में हो, एक मैच में आपने 50 कर दिए और उसके बाद ये कि जी फिर तीन मैच आप फिर सो जाते हैं कहीं जाके। आप किस किस्म क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए कोई सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। यार आप फॉर गॉड सेक, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, आपको ये समझ चीज नहीं आ रही कि आपकी क्रिकेट डिटेरियट कर रही है? और मैनेजमेंट से लेके पीसीबी चेयरमैन तक सारे ही सारे नील बटन नील बैठे हुए हैं, अकल ही नहीं है किसको सेलेक्ट करना है, किसको लेके जाना है। खिलाने आप चार बॉलर हैं, खिला आप तीन फास्ट बॉलर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर आपको चाहिए, आप सेलेक्ट को छोड़ कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ दो बंदे काम के ले जाओ ओपनर, ताकि वो दायरे को सर्कल में यूज करें। फखर जमान आपके पास बैठा है, उसको आपने यूज नहीं किया, बैक फुट का प्लेयर है, वहां पर बेहतरीन काम करेगा, लेकिन वो क्या है जी, आप जान ही छोड़ते हैं एज ओपनर। इट्स रियली रियली एम्बैरसिंग यार, इट्स रियली एम्बैरसिंग। आई मीन अल्टीमेटली आप तो नहीं, हमें मीडिया फेस करना पड़ता है, हमें इंडिया बैठना पड़ता है, हमें दूसरी दुनिया को जवाब देना पड़ता है। अब क्या जवाब देंगे इस परफॉर्मेंसेस के ऊपर? सो इट इज जस्ट लाइक शेमफुल, इट इज एम्बैरेसिंग। अब पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा जी, कि अब साउथ अफ्रीका जीते और वो इससे हारे, अब वो उससे हारे, रन रेट ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो हम पहुंच सकते हैं जी यार। बट वाई पुट योरसेल्फ इन अ फर्स्ट पोजीशन, इन अ पोजीशन कि जहां पे आप स्ट्रगल करें? इंडिया का जीता जिताया मैच आपने प्लेट पर रखी, इंडिया को दे दिया, जीता जिताया मैच इंडिया के हाथ में रख दिया। क्यों नहीं कैलकुलेशन की बाबर आजम ने, कि क्यों नहीं मैनेजमेंट ने कोशिश की, मैनेजमेंट ने क्यों नहीं कोशिश की कि आप नवाज से ओवर नहीं कराना, नवाज के जॉब ही नहीं आखिरी ओवर कराना, आप उसको ओवर करवा रहे। सो मैं रियली डिसअपॉइंटिंग यार। मैं पहले भी कह चुका था कि पाकिस्तान इस हफ्ते पाकिस्तान वापस आ जाएगी और अगले हफ्ते इंडिया वापस आ जाएगी, वो भी सेमीफाइनल खेल के वापस आ जाएगी, वो भी कोई इतने 30 मार खान नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की जो ये प्रॉब्लम है ना बैटिंग की, मैंने अभी कहा कि जी सेम डे में वेल बोल्ड बॉलिंग और बैड बैटिंग बैट्समैन, तो ये हमें पहले भी नजर आ रहा था कि जहां रिजवान और बाबर आउट हो रहे थे तो वहां हमारी बैटिंग है ना कोई इतना खास स्कोर नहीं कर सक रही थी। तो अब नजर यही आ रहा है कि जी पिछले मैच में इफ्तिखार ने अच्छे रन कर दिए थे, शान ने अच्छे रन कर दिए थे, ये ठीक है, लेकिन ये कोई क्रिकेट नहीं है कि जी अगर आप फॉर्म में हो, एक मैच में आपने 50 कर दिए और उसके बाद ये कि जी फिर तीन मैच आप फिर सो जाते हैं कहीं जाके स्कोर करने के लिए, तो इस तरह आप है ना कोई भी टूर्नामेंट है ना आप नहीं जीत सकते। और ये वाली प्रॉब्लम अभी सिर्फ वर्ल्ड कप में नजर नहीं आ रही, ये वाली प्रॉब्लम आपको है ना एशिया कप में भी नजर आई थी, क्योंकि जिस तरह ही टॉप ऑर्डर के दो प्लेयर आउट होते हैं तो नीचे की बैटिंग है ना कुछ नहीं कर सकती। अभी भी ये देख लेंगे कि जी बाबर और रिजवान आउट हुए तो हमें ना जिम्बाब्वे के खिलाफ है ना हमें ना 130 रन नहीं कर सके, तो हालांकि मेरे ख्याल में कि जी हमारी बैटिंग को करना चाहिए था।